ना टूटे, ये ऐसा मन का बंधन है। इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षाबंधन है। नमस्कार, मैं सोनिया सलूजा राज इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस रक्षाबंधन पर्व से संबंधित कुछ दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, तो आइए आज इन्हीं कुछ दंत कथाओं की चर्चा मैं आपसे करती हूँ। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? कहते हैं राजा असुरों के राजा बलि को ने एक बार देवताओं पर हमला कर दिया। सभी देवता भयभीत हो गए। इंद्र देवता उस राजा से असुर राजा से बहुत घबरा गए। उनकी यह स्थिति रानी शची से देखी न गई। वे भगवान विष्णु के पास गई और उनसे उपाय पूछने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया और कहा कि यह रक्षा सूत्र आप इंद्र की कलाई पर बंधवा देना। रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा इंद्र को अपने युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं कि उस दिन से यह पर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा है। इस त्यौहार से संबंधित एक कथा और भी प्रचलित है, हम सबने सुना है, महाभारत के समय में द्रौपदी और श्री कृष्ण से संबंधित कथा। एक बार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके सारे हाथ खून से सन गए थे। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर वो बांधा, जिससे कि उनका रक्त बहना बंद हो गया। कहते हैं तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह वादा दिया कि यदि भविष्य में तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊँगा। हम सब जानते हैं जब कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ तो भगवान कृष्ण उनके सहायक बनकर उस सभा में आए। रक्षाबंधन पर्व से संबंधित एक आध्यात्मिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है श्री गणेश के दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। उनकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए। तब नारद जी के आग्रह पर श्री गणेश जी ने अपनी शक्ति से संतोषी माता को उत्पन्न किया। यह दिन सावन मास की पूर्णिमा का ही दिन था, यही कारण है कि इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो हमने जाना कि आज किन किन कारणों से हम रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, तो आइए एक बात और जानते हैं कि इस पर्व की महत्ता क्या है। कहा जाता है कि यह त्योहार 300 BC सन से मनाया जा रहा है। उस समय एक राजा हुए अलेक्जेंडर, जिन्होंने भारत पर हमला करने की सोची और अपनी एक विशाल सेना लेकर धावा बोल दिया। उस समय राजा पुरु वहां के शासक थे। राजा पुरु बहुत निपुण थे, इसलिए युद्ध में उनको कोई हरा नहीं सकता था। अलेक्जेंडर को यह बात मालूम थी, इसलिए वो घबरा गए। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को यह पता चला कि आज रक्षाबंधन है, तो उन्होंने एक रक्षा सूत्र पुरु के पास भिजवाया। पुरु समझ गए कि इसका मकसद क्या है। जी हाँ, वो जानते थे कि इसका मकसद है कि अलेक्जेंडर को जान से ना मारा जाए, उनकी जान की रक्षा की जाए। इस बात को देखते हुए उन्होंने इस रक्षा सूत्र का वचन निभाया और अलेक्जेंडर को नहीं मारा। जी हाँ, ये थी रक्षाबंधन पर्व की महत्ता। तो आज हमने अपने इस वीडियो से ही जाना कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और उसकी महत्ता क्या है। तो एक बार मैं आप सभी को फिर से इस पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।